मुझे आज यहाँ पे मुझे आज़ादी मिली है और मैं अपने देश भारत में वापस आ चुकी हूँ। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ और मेरे खुशी के आंसू है। आंखों में आंसू और कांपती हुई जुबान से सरकार का शुक्रिया अदा कर रही ये औरत मिसबा शेख है। वही मिसबा शेख जो अपने वतन लौटने के लिए विदेश मंत्री से फरियाद कर चुकी है। उसकी मेहनत रंग लाई और अब मीरा रोड अपने घर आखिरकार मिसबा पहुंच चुकी है। वो इसी महीने की 9 तारीख को सऊदी अरब काम करने गई थी, लेकिन वहां उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। आखिरकार मिसबा ने भारत सरकार से गुहार लगाई और भारतीय दूतावास की मदद से आखिरकार उसकी वतन वापसी हुई। वहाँ पे एक दिन दूसरे दिन से ही मेरे साथ में जो जुलुम और जबरदस्ती हो गई थी, मैं उसके बारे में बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे हाथों से लेके पैरों के अंदर पूरे छाले पड़ गए थे। मैं टॉर्चर में आ गई थी क्योंकि मैंने कोई ऐसे तकलीफ कभी उठाई नहीं थी और ये तकलीफ मेरे से ज्यादा हो गई थी। और मैं उनसे विनती कर रही थी, उनसे हाथ जोड़ के मदद मांग रही, बोल रही थी मैं उनको कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरे साथ में ऐसी ज्यादती नहीं करो। तो वो मुझे बोल रहे थे कि जैसे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम पुलिस को बोलेंगे, पुलिस में जाएंगे। पुलिस की धमकी के ऊपर मेरे से काम करा के ले रहे थे। मिसबा के पति नासिर मुंबई में नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को सऊदी भेजने के फैसले पर उन्हें आज भी अफसोस है और ताउम्र आगे भी रहेगा। मिसबा की तकलीफें सुनकर नासिर ने उसकी पूरी मदद की। उन्होंने क्लिप भेजा तो मेरे को तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बोला कि ये क्या हो रहा है इसके साथ में, मैं बहुत टेंशन में आ गया था इस बात से। फिर मैं बोला कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में क्लिप देखने के बाद। फिर मैंने बहुत ट्राई किया और मेरे बहुत लोगों ने मदद की इस बारे में, मीडिया ने भी बहुत मदद की और इस मदद की वजह से ही ये मिसबा मेरे घर मतलब वापस आई है और मैं बहुत उसका आभारी हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे लोगों ने मदद की। विदेशों में नौकरी के नाम पर जुल्मों का शिकार हुई मिसबा शेख की कहानी नई जरूर है, लेकिन अलग बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर साल सैकड़ों भारतीय इसी तरह विदेशों में दो वक्त की रोटी की तलाश में जाते हैं और कई बार उन्हें मिलता है सिर्फ फरेब। लहरी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।